स्टार्ट। आर्थिक क्षेत्र में निराशा का दौर इस बार कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, यह पूरी तरह ख़त्म हो गया है इसे कहने का वक्त शायद अभी नहीं आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरणें दिखने लग गई है। जनवरी महीने में मैन्युफैक्चरिंग का हाल बता रहे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने जो बढ़त दिखाई है वह इसलिए बहुत सकारात्मक है कि यह इंडेक्स इस समय पिछले 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने में यह इंडेक्स 52.7 पर था, जो जनवरी में बढ़कर 55.3 पर पहुंच गया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो गणित है उसके हिसाब से अगर यह 50 से नीचे होता है तो इसका अर्थ है कि चीज़ें उल्टी दिशा में जा रही है। इससे ऊपर है जो इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था विस्तार की ओर है। यह सूचकांक हमें सिर्फ उत्पादन के बारे में ही नहीं बताता बल्कि मांग, बिक्री, कच्चे माल की खपत, उत्पादन और रोजगार के बारे में भी काफ़ी कुछ कहता है। यानी इस सूचकांक के बढ़ने का अर्थ सिर्फ फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को बढ़ना भर नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हर एक गतिविधि में तेजी आना है। लंदन की कारोबारी सूचना कंपनी IHS मार्केट विभिन्न देशों के लिए इस सूचकांक को जारी करती है। इस सूचकांक के हिसाब से भारत की इस समय जो स्थिति है उसे बहुत आदर्श भले ही न कहा जा सकता हो, लेकिन उसमें सकारात्मक दिशा की ओर संकेत जरूर दिख रहे हैं। यह सूचकांक 2020-21 के बजट के ठीक बाद आया है। इस बजट से काफ़ी लंबे समय से यह उम्मीद बांधी जा रही थी कि इससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकेगी। हालांकि बजट बाद की प्रतिक्रियाएं यह भी बता रही हैं कि उसके प्रावधानों से हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोगों की उम्मीदों पर भले ही यह बजट खरा उतरा हो, लेकिन इससे बाजार को कोई नई गति मिलेगी यह फिलहाल नहीं कहा जा रहा। ऐसी स्थिति में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने यह संकेत दिए हैं कि भारतीय बाजार को नई गति मिलनी शुरू हो गई है, वह भी बजट से काफ़ी पहले ही। जाहिर है बजट को अब इस तरह देखना होगा कि वह इस गति में कुछ जोड़ रहा है या नहीं। बजट की भूमिका को अगर छोड़ भी दे तब भी लंबी चली सुस्ती के बाद तरक्की की इस रफ्तार को लौटना ही था। जिस समाज के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हो और पूरी तरह विकसित बाजार हो उसकी गति अपने आप ही देर सवेर पटरी पर आ जाएगी। इसमें कभी कोई सुबह नहीं रहा है। पिछले कुछ समय से जो निराशाएं दिख रही थी उनका कारण यह था कि इस बार इसने पटरी पर आने में काफ़ी देर कर दी और अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिख रही है तब मूल मुद्दा यह है कि इसकी रफ्तार को कैसे तेज किया जाए। यह माना जाता है कि जनसंख्या अनुपात में युवाओं की आबादी का अधिक होना बहुत लंबे समय तक हमारा सच नहीं रहेगा।
इसके पहले कि भारत इस अनुपात से दूर होने लगे, इतने तेज विकास की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ज़्यादातर नौजवानों को काम और ज़्यादातर परिवारों को समृद्धि दी जा सके। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो देश बिना समृद्धि के स्तर को छुए बूढ़ा होने की ओर बढ़ चलेगा। फिलहाल जिस बढ़त की झलक मिली है उसे बहुत आगे ले जाना होगा।